गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कितना इजी है। अभी 24 से कम 24 करेंगे तो 6 चौक 24 तो 6। यहाँ पे देखो इस बार वही सेम इस कंडीशन पिछली वाली आ गई कि 12 दूनी 24 भी हो सकता है, 24 आ रहा है, 12 दूनी 24 भी हो सकता है। तो अब इसमें से कि 6+4 आंसर रहेगा हमारा या 12-2 रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे समझाता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, तो ध्यान समझे। देखो दोनों में से हम किसको कब लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है सिर्फ और यहाँ प्लस है तो हम 6+4 लेंगे। क्या लेंगे? 6+4। अच्छा तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो आंसर होगा x-6 और x-4। लेकिन अगर ये दोनों जगह माइनस, मैं दिखाता हूँ दूसरा केस क्या बन सकता है, x²-10x+24। इस केस में क्या करेंगे, 12-2 लेंगे, 12 में से 2 गया 10, क्योंकि देखो 24 से कम 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 होगा। तो 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो बीच की संख्या में मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो आंसर रहेगा यहाँ पे 12-2, तो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 2, तो आंसर होगा x-12 और x+2 इसका आंसर रहेगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो 6 और 4 लेंगे, और दोनों जगह माइनस है तो 12 और 2 लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए गुड बाय।